सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ नए नए सेंटेंस सीखते हैं, यानी कि आज हम लोग एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद लिखकर शुरुआत करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा एक निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का एक पैसिव वॉइस का एक निगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग इसके हिंदी को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यह काम पूरा नहीं किया गया था। तो था यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो था थे ये सब होता है, कॉमन चीज़ है। तो दिस वर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड, कम्प्लीट यानी कि पूरा करना, कम्प्लीटेड एक वर्ब थ्री है। नॉट कम्प्लीटेड यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि नहीं किया गया था, तो नॉट एक निगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस वर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे, जैसे कि चिट्ठी भेजी नहीं गई थी। चिट्ठी, चिट्ठी यानी कि लेटर, ठीक है, भेजना यानी सेंड, तो यहाँ ये वर्ब थ्री है, ठीक है, सेंट है ये, तो इसको वर्ब थ्री कहेंगे। अगर टी की जगह पर डी होता ऐसे तो वो सेंड, सेंड वर्ब वन है, सेंड मतलब भेजना, सेंड यानी भेजा गया। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, सेंट पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, सेंट सेंड सॉरी सेंट वर्ब थ्री है और सेंड वर्ब वन है। तो द लेटर वाज नॉट सेंट यानी कि नहीं भेजा गया था। क्या नहीं भेजा गया, तो चिट्ठी, चिट्ठी भेजी नहीं गई थी, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं द लेटर वाज नॉट सेंट। खाना तैयार नहीं किया गया था। खाना, खाना यानी कि फूड, वाज यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब, फूड वाज नॉट निगेटिव सेंटेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। खाना तैयार नहीं किया गया था यानी द फूड वाज नॉट प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी तैयार होना, तो प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया गया, तो वर्ब थ्री है ये भी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द फूड वाज नॉट प्रिपेयर्ड यानी कि खाना तैयार नहीं किया गया था, यानी द फूड वाज नॉट प्रिपेयर्ड। इसी के साथ हम लोग इसके आगे यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाज़ा बंद नहीं किया गया था। दरवाज़ा यानी कि डोर, दरवाज़ा को इंग्लिश में हम लोग डोर कहते हैं। डोर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी वाज, ठीक है, नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस, नॉट यानी नहीं, क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, क्लोज यानी बंद किया गया, तो द डोर वाज नॉट क्लोज यानी कि नहीं बंद किया गया। क्या नहीं बंद किया गया, दरवाज़ा यानी कि डोर, तो बोलेंगे द डोर यानी दरवाज़ा बंद नहीं किया गया था, यानी द डोर वाज नॉट क्लोज, ये भी वर्ब थ्री है। इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस, बर्तन साफ नहीं किए गए थे। बर्तन, बर्तन यानी कि डिश, तो बर्तन यानी बहुत सारे बर्तन, तो डिशेस, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब का यूज करते हैं वाज वेयर, तो हम लोग बोलेंगे द डिशेज वेयर नॉट नॉट क्लीन, क्लीन यानी साफ करना, तो क्लीन यानी साफ किए गए, तो डिशेज वेयर नॉट क्लीन यानी नहीं साफ किए गए। क्या नहीं साफ किए गए, तो बर्तन, ठीक है, तो द डिशेज वेयर नॉट क्लीन, क्लीन भी यहाँ पर वर्ब थ्री है, वर्ब थ्री यूज करेंगे इसमें। इसके साथ, इसके बाद मतलब नेक्स्ट सेंटेंस, किताबें वापस नहीं दी गई थी। किताबें, किताबें यानी कि बुक्स, बुक होता तो किताब होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किताबें हैं, बहुत सारी किताबें की बात हो रही, तो बुक्स प्लूरल सेंटेंस बन गया ये, द बुक्स वर नॉट रिटर्न, रिटर्न यानी वापस करना, रिटर्न वर्ब थ्री वापस किया गया, नहीं वापस किया गया यानी नॉट रिटर्न, तो वर्ब थ्री है ये रिटर्न, रिटर्न का वर्ब थ्री रिटर्न, और किताबें वापस नहीं की दी गई थी, तो द बुक्स वर नॉट रिटर्न। इसी के साथ इसके नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जैसे कि परीक्षा, परीक्षा पास नहीं की गई थी। परीक्षा को हम लोग एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है, वाज नॉट यानी नहीं, पास यानी कि उत्तीर्ण करना, पास्ट यानी वर्ब थ्री, नहीं उत्तीर्ण की गई थी या पास की गई थी, तो इसकी हिंदी पास नहीं की जगह उत्तीर्ण हम लोग लिख सकते हैं। तो परीक्षा पास नहीं की गई थी यानी कि द एग्ज़ाम वाज नॉट पास्ट, ऐसे बोलेंगे, द एग्ज़ाम वाज नॉट पास्ट। आइए इसके नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं, जैसे कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। रिपोर्ट, रिपोर्ट यानी कि हम लोग कह सकते हैं रिपोर्ट वाज नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट मतलब कभी प्रस्तुत करना होता है, प्रेजेंट का मतलब
हमेशा उभार नहीं होता। तो द रिपोर्ट वॉज नॉट प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत की गई थी, नहीं प्रस्तुत की गई थी यानी नॉट प्रेजेंट। अगर हम लोग इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएं यानी कि अफर्मेटिव, तो नोट नहीं को सिर्फ हटाना है इधर से और इधर से नोट को, तो क्या हम लोग सेंटेंस पढ़ पाएंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यानी कि द रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड। लेकिन ये एक निगेटिव सेंटेंस जब बनाना होता है तो नहीं लगाकर इधर नोट ऐड कर देते हैं, हिंदी सेंटेंस में नहीं और इंग्लिश में नोट। तो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी यानी द रिपोर्ट वॉज नॉट प्रेजेंटेड। सिंपल है तो काफ़ी बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था। तो प्रश्न यानी कि प्रश्न को क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। वाज नॉट एंसर्ड, एंसर मतलब उत्तर देना, एंसर्ड नॉट एंसर्ड यानी नहीं दिया गया था उत्तर। तो द क्वेश्चन वाज नॉट एंसर्ड यानी कि वर्ब थ्री है ये भी, द क्वेश्चन वाज नॉट एंसर्ड यानी कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था, ऐसे बोल सकते हैं। इसी के बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे कि कॉल नहीं किया गया था। कॉल, कॉल यानी कि जो फ़ोन कॉल होता है वही, उसी के बाद या कॉल मतलब बुलाना भी होता है। तो और नहीं बुलाया गया था ऐसे यहाँ पे लिखा जा सकता था, कॉल की जगह पे नहीं बुलाया नहीं गया था ऐसे, तो बोल सकते हैं कॉल नहीं किया गया था। द कॉल वाज नॉट मैड, ठीक है, नॉट मैड, द कॉल वाज सॉरी द कॉल वाज नॉट मैड यानी कॉल नहीं किया गया था। इसके बाद पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई थी, पत्रिका यानी कि मैगजीन, वाज नॉट पब्लिश यानी प्रकाशित करना, ठीक है। द मैगजीन वाज नॉट पब्लिश्ड, पब्लिश्ड एक वर्ब थ्री है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको पब्लिश्ड, पब्लिश एक वर्ब वन है यहाँ से यहाँ तक और ईडी लगने के बाद ये वर्ब थ्री बन गया। तो द मैगजीन वाज नॉट पब्लिश्ड, पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, बागवानी नहीं की गई थी। बागवानी, बागवानी यानी कि गार्डनिंग, ठीक है, यहाँ पे ये आईएनजी लगाने का मतलब कोई सेंटेंस को वो नहीं बनाया जा रहा है, वर्ब फोर के यूज में नहीं किया जा रहा। बागवानी यानी कि गार्डनिंग को बोलते हैं बागवानी। वाज नॉट डन, डन मतलब करना, ये सॉरी डन भी थ्री है, डू का भी थ्री है, डन डू वर्ब वन है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको द गार्डनिंग वाज नॉट डन यानी कि बागवानी नहीं की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, योजना पूरी नहीं की गई थी। योजना यानी कि प्लान, प्लान वाज नॉट कंप्लीट यानी कि पूरा करना, तो कंप्लीटेड यानी वर्ब थ्री। योजना पूरी नहीं की गई थी यानी द प्लान वाज नॉट कंप्लीटेड। इसके बाद इसके नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे कि दोस्त, दोस्त को नहीं बुलाया गया था। द फ्रेंड वाज नॉट इन्वाइटेड, इन्वाइट यानी किसी को आमंत्रण देना बुलाना, तो ये वर्ब थ्री है इनवाइटेड। द फ्रेंड वाज नॉट इनवाइटेड, दोस्त को नहीं बुलाया गया था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने इसे देखा, इन सारे सेंटेंसेस को आप पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।